मेरा नाम अर्पित गिरी है और मैं यहाँ का क्षेत्रीय निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि इधर अभी एक दिल्ली का एक लड़का था, वो अभी जा रहा था बाइक से और एक ऑटो वाले ने उसको धक्का मारा और वो डंपर के नीचे आ गया, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। कहाँ का था, क्या नाम था पता? वो नाम तो नहीं पता, बस उसके आधार कार्ड पे दिल्ली का एड्रेस था और वो लखनऊ की किसी कंपनी में बाइक पार्ट्स की ड्यूरो की कंपनी थी, उसमें जॉब करता था। किस चीज से दबा है वो? वो ऑटो यहाँ पे जिस तरह से बेतरतीबी से चलती है दिन रात, यहाँ पे ऑटो स्टैंड नगर निगम का भी नहीं है, यहाँ पे प्रशासन का भी आदेश है कि चौराहे से कम 100 मीटर दूर ऑटो स्टैंड रहेगा, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऑटो स्टैंड वाले जिस तरह से रोड के दोनों तरफ खड़ा करके वो लगातार दारू पीते हैं और आती आती महिलाओं पे अभद्र कमेंट करते हैं, जिसका हम लोग लगातार शिकायत करते हैं नगर निगम में भी और प्रशासन को भी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जहाँ तक है डंपर की गाड़ियों की बात, तो डंपर की गाड़ियों के लिए भी हमने 3-4 बार शिकायत की है कि वो गाड़ियाँ जो कूड़ा ढोते हैं वो रात में ढोएँ, पर वो दिन में ही दारू पी के अपना चलाते हैं अंधाधुन और लगातार एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मड़ुआड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ था, अभी यहाँ पे हुआ, इसके पहले ये लगातार एक्सीडेंट होते हैं और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने यहाँ के मेयर को, विधायक, क्षेत्रीय विधायक को, सबको शिकायत दे दी है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। मेरा नाम शुभम प्रजापति है, मैं व्यापार मंडल उपाध्यक्ष भिखारीपुर। क्या मामला था? मामला ये कि पता चला है कि ऑटो के गलती की वजह से उसको धक्का लगा और तेज रफ्तार डंपर ने उसे कुचलते हुए निकल गया। ये घटनाएं लगभग कई बार हो चुकी है, आज इसकी मौत भी हो गई है। लड़का दिल्ली का बताया जा रहा है सूचना के आधार पे, और मैं यही विरोध करता हूं कि यहां से ऑटो स्टैंड पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, प्रशासन इस पर ध्यान दे, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय मेयर, जहाँ तक कि हमारे मित्र ने आपको बताया कि शिकायतें पर शिकायत दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।